आर डी शर्मा चैप्टर नंबर 15 रोल्स थ्योरम। तो सबसे पहले रोल्स थ्योरम क्या होता है। लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। रियल वैल्यूड फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी रेंज रियल नंबर्स का सबसेट हो। रेंज इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल वैल्यूड फंक्शन वो फंक्शन जिसकी रेंज रियल नंबर का सबसेट हो। तो हमने एफ ले लिया एक रियल वैल्यूड फंक्शन और कोई इंटरवल पे इसको डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। इसमें फर्स्ट पहला तीन चीज़ें होनी चाहिए। पहला कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। एफ इज कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। सेकेंड एफ जो है एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। थर्ड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये तीनों कंडीशनें वैलिड होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशनें वैलिड हैं फिर लास्ट में वेरिफिकेशन करनी होती है। देन देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, कम से कम एक वैल्यू इस इंटरवल में लेनी है जो इसके बीच में लाइक करे। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल सच डैट एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो। फिर से एक बार बताता हूँ क्या होता है रोल्स थ्योरम। एक एफ लेते हैं एक रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन होता है जिसकी रेंज रियल नंबर का सबसेट हो। और एक इंटरवल ले ली ए टू बी। तीन कंडीशन होनी चाहिए। पहला कॉन्टीन्यूस होना चाहिए फंक्शन क्लोज इंटरवल पे। दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे। तीसरी कंडीशन एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होनी चाहिए। और वेरिफिकेशन के लास्ट में वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम, तो उसके लिए क्या करना है, सी कम से कम ए बी के बीच में सी लाई करना चाहिए। और वो कैसे निकलेगा सही, इस फॉर्मूले को यूज़ करके एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो। अब कुछ रिमार्क्स। अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टीन्यूस भी होगा। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस। कन्वर्स ट्रू हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, बट कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। क्या मतलब हुआ कन्वर्स, मतलब अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल होगा। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% वो कॉन्टीन्यूस होगा। सेकंड, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंट फंक्शन, पॉलीनोमियल फंक्शन हो गया जिसकी डिग्री नेचुरल नंबर हो, जैसे एक्स एक्स स्क्र प्लस टू, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस टू, इस टाइप के फंक्शन को पॉलिनोमियल कहते हैं। साइन कोसाइन लॉग एक्सपोनेंट पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस, ये हमेशा कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल होंगे। इज कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, तो जब भी इनमें से कोई भी फंक्शन दिया होगा तो हमेशा लिख देना पहले ही कि वो कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल है। तीसरी कंडीशन, मॉड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। मॉड ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल कौन से पॉइंट में नहीं होता, एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अगर बाई चांस यहाँ लिखो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन तो वो वन पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और टैन एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू, इसमें ले लेते हैं प्लस माइनस, जैसे 90 पे नहीं होगा, 270 पे नहीं होगा, 450 पे नहीं होगा, ऐसे ही सो ऑन, ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये हो गया रोल्स थ्योरम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई रोल्स थ्योरम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x माइनस पाई बाय 4 ऑन
ज़ीरो टू पाई बाई टू। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, इस टू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा टू एक्स माइनस, इस टू से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय टू। अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। ये ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको बना रहा हूँ कॉस 90 माइनस थीटा। अब ये बना कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इसका क्या रीज़न होगा, यहाँ साइड पर लिख देते हैं, कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अभी आ गया एफ ऑफ एक्स। अब कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 2x। अब मैंने स्टार्टिंग के रिमार्क्स में बताया था साइन फंक्शन जो होता है वो कॉन्टीन्यूस और डिफ्रेंशिएबल होता है, तो विच चीज़ है साइन फंक्शन विच इज अ साइन फंक्शन सो इट इज कॉन्टीन्यूस एंड डिफ्रेंशिएबल। अगर कॉन्टीन्यूस है और डिफ्रेंशिएबल है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, फर्स्ट रोल्स थ्योरम की डेफिनेशन होती है एफ इज कॉन्टीन्यूस ऑन इंटरवल क्या दिया है, ज़ीरो टू पाई बाय टू, ऑन क्लोज इंटरवल ज़ीरो टू पाई बाय टू। सेकेंड एफ इज डिफ्रेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ज़ीरो टू पाई बाय टू। ये दो कंडीशन होगी। और तीसरी कंडीशन एफ ऑफ ए निकाल, एफ ऑफ ए, ए है हमारा ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे डालेंगे ज़ीरो तो ये हो जाएगा साइन टू इंटू ज़ीरो, ज़ीरो हो जाएगा साइन ज़ीरो ज़ीरो। अब ऐसे ही एफ ऑफ पाई बाय टू, बी है पाई बाय टू तो ये हो जाएगा साइन टू इंटू पाई बाय टू, ये और कैंसिल, ये बचा साइन पाई, साइन 180 होता है ज़ीरो तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू एफ ऑफ पाई, एफ ऑफ पाई बाय टू। तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड। अब हमें इसको वेरीफाई करना है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल ज़ीरो टू पाई बाय टू सच डैट एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब है कि जो हम अपनी सी फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू इसके बीच में लाई करनी चाहिए। वो कैसे पता चलेगा, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है साइन टू एक्स, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा कॉस टू एक्स, फिर टू एक्स की करेंगे तो आएगा टू। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, टू कॉस टू एक्स की जगह हमें सी डालना है, यहाँ पे ये आ गया। अब टू को सेट फेंक देते हैं, कॉस टू सी इक्वल टू ज़ीरो। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस ज़ीरो कब होता है, कॉस 90 पे, तो यहाँ से टू सी आ जाएगा पाई बाय टू और सी हो जाएगा पाई बाय फोर। अब हमने देखना है 45 इनके बीच में लाई करता है, ज़ीरो और 90 के बीच में 45 लाई करता है ना, तो हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। लास्ट में यहाँ लिखना है हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट है, अभी कि हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन टू एक्स ऑन ज़ीरो टू पाई बाय टू, ये बिल्कुल सेम है, ये बना था ना हमारे पास फर्स्ट पार्ट में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन टू एक्स और इंटरवल भी यही दी थी, सेम इसको इसी वे में करना है, ये तो सेम पार्ट है। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस टू एक्स ऑन माइनस पाई बाय फोर टू पाई बाय फोर। तो ये कौन सा फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन, एफ इज ए कोसाइन फंक्शन, एफ इज अ कोसाइन फंक्शन, इसका मतलब ये कॉन्टीन्यूस और डिफ्रेंशिएबल हो गया, सो इट इज कॉन्टीन्यूस एंड डिफ्रेंशिएबल, कॉन्टीन्यूस और डिफ्रेंशिएबल हो गया। इसका मतलब फर्स्ट इस इंटरवल पे भी कॉन्टीन्यूस होगा,
एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय फोर टू पाई बाय फोर. सेकेंड, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय फोर टू पाई बाय फोर. ये होगी दो कंडीशनें. अब तीसरी कंडीशन निकालनी है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी. तो सबसे पहले निकालेंगे ये ए है ये बी है. एफ ऑफ माइनस पाई बाय फोर ये हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, ये बनेगा कॉस टू इंटू माइनस पाई बाय फोर. ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस माइनस पाई बाय टू. तो कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाय टू. कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो. अब ऐसे ही एफ ऑफ पाई बाय फोर, एफ ऑफ पाई बाय फोर में क्या करेंगे, यहाँ पर पाई बाय फोर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कॉस टू इंटू पाई बाय फोर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस पाई बाय टू. कॉस 90 हो गया ज़ीरो. तो इसका मतलब एफ ऑफ माइनस पाई बाय फोर इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय फोर. ये होगी तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड. अब हमें वेरीफाई करना है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सी बिलोंग्स टू जो गिवन इंटरवल दिया सच डैट एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो. अब हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, एफ ऑफ एक्स की एफ डैश एक्स क्या आएगा, इसकी हो जाएगी माइनस साइन टू एक्स, फिर टू एक्स की डिफरेंशिएशन टू, तो ये आ जाएगा माइनस साइन टू एक्स. लिखा ना एक्स की जगह सी डाल देना. अब ये इधर फेंक देंगे, साइन टू सी ज़ीरो कब होता है, जब साइन ज़ीरो पे ज़ीरो होता है, तो ये आ गया टू सी इक्वल टू ज़ीरो, सी सी इक्वल टू ज़ीरो. अब हमने देखना है क्या ये सी इसके बीच में लाई कर रहा है, माइनस 45 और 45 के बीच में ज़ीरो आता है ना, तो ये आ गया हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड. ये हो गया इसका थर्ड पार्ट. नंबर थ्री का फोर्थ पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स, इंटरवल दिया ज़ीरो टू पाई. अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं. डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे. इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये यू है और ये वी है, ई एक्स बाहर साइन एक्स की कॉस एक्स, फिर साइन एक्स बाहर ई एक्स की डिफरेंशिएशन ई एक्स, ये आ गया. अब ये ई एक्स कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ तक आ गया. अब हमने चेक करना है कि डिफरेंशिएबल, इसके डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, कि ये जो डिफरेंशिएट किया इसके बीच में लाई करना चाहिए. अब ज़ीरो और 180 के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, 90 डालेंगे ये इसको सेटिस्फाइड करेगा, मतलब रियल नंबर आना चाहिए. अगर जैसे मैं 90 डालूँ, कॉस 90 ज़ीरो साइन 91, तो ई पाई बाय टू, तो आंसर क्या आएगा, ई पाई बाय टू. मतलब इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए और कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनना चाहिए, कोई भी वैल्यू इसमें इसके बीच में से डाल दो तो यहाँ पे इन्फिनिटी और कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगा. इसका मतलब बिलोंग्स टू ज़ीरो टू पाई. तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल. एफ इज डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल ऑन ज़ीरो टू पाई, ये हो गया. अब सेकेंड कंडीशन क्या है, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए. हमने पढ़ा हुआ है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. तो इसका मतलब विच इम्प्लाइज एफ कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई. ये होगी दो कंडीशन. अब तीसरी कंडीशन एफ ऑफ ए निकालना है, मतलब एफ ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो और पाई हम डालेंगे इसमें एफ ऑफ ज़ीरो, सॉरी इसमें एफ ऑफ एक्स में. ये क्या बनेगा, ई रेज टू पावर ज़ीरो डॉट साइन ज़ीरो, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा. अब आ जाओ एफ ऑफ पाई, यहाँ डालेंगे पाई तो ये बनेगा ई पाई साइन पाई. अब साइन पाई की वैल्यू होती है ज़ीरो,
तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू एफ ऑफ पाई, तीनों कंडीशनें सेटिस्फाइड होगी। अब हम करेंगे वेरीफाई, देन देयर एग्जिस्ट, ये उल्टा ही होता है, देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल ज़ीरो टू पाई सच डैट एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या करेंगे, एफ डैश एक्स तो हमने निकाला हुआ है ना यहाँ पर, ये एफ डैश एक्स है, इसमें सी रिप्लेस कर देंगे तो क्या बनेगा, ई सी, ई सी कॉस सी प्लस साइन सी, कॉस सी प्लस साइन सी इक्वल टू ज़ीरो। अब ई रेस्ट पर सी यहाँ फेंक देंगे तो क्या बचेगा, कॉस सी प्लस साइन सी इक्वल टू ज़ीरो, साइन सी इक्वल टू माइनस कॉस सी, कॉस को इसके नीचे लाएंगे, ये बन जाएगा टैन सी इक्वल टू माइनस वन। अब हमने देखना है ये इंटरवल कौन से क्वाड्रेंट, कहाँ से कहाँ तक है, ज़ीरो से 180 मतलब फर्स्ट और सेकंड में, तो टैन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड में भी होता है फोर्थ में भी होता है, लेकिन यहाँ पे सेकंड तक ही दिया हुआ है, माइनस टैन पाई बाय फोर। अब सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई माइनस थीटा, क्या फॉर्मूला होता है, पाई माइनस थीटा, तो हम इसको लिखेंगे टैन पाई माइनस पाई बाय फोर, तो ये टैन टैन कैंसिल हो जाएगा, सी आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, फोर पाई में से पाई क्या, थ्री पाई बाय फोर। अब हमने देखना है क्या ये इसके बीच में लाई कर रहा है, थ्री पाई बाय फोर होता है, पाई बाय फोर 45, 45 इंटू थ्री 135, तो ज़ीरो और 180 के बीच में 135 लाई करता है, बिलोंग्स टू ज़ीरो टू पाई, तो हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। अब इसका फिफ्थ पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई एक्स कॉस एक्स, अभी हमने फोर्थ पार्ट किया ना, सेम उसी की तरह करना है, यहाँ पे साइन है वहाँ कॉस है, और फिफ इसका ये आ जाओ सिक्स पार्ट, सिक्स पार्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस टू एक्स, अभी हमने थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट किया था ना, ये भी वैसे करना है। अब हम इसके बाद करेंगे सेवन्थ पार्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई एक्स दिया हुआ है, इंटरवल दिया जीरो से लेकर पाई तक, तो सबसे पहले हम इसकी डिफ्रेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, डिफ्रेंशिएबिलिटी कैसे चेक होगी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ लगेगा u बाई वी, ई एक्स बाहर साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स बाहर ई एक्स की डिफ्रेंशिएशन ई एक्स, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, और नीचे ई एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ई एक्स कॉमन है, ये निकाल लिया ई एक्स, यहाँ बचेगा ई एक्स का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, तो ये आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ई एक्स। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इंटरवल दिया ज़ीरो से लेकर पाई तक, अब हमें इसमें वैल्यूज़ डालनी है, इसके बीच वाली वैल्यूज़, ज़ीरो और पाई के बीच में क्या होता है, 30, 45, 60, 90, 135, कोई भी वैल्यू डाल के देखते हैं, जैसे 90 डालते हैं, कॉस 90 ज़ीरो, साइन 91 और ये ई पाई बाय टू, मतलब आंसर आ जाएगा माइनस वन अपॉन ई पाई बाय टू, ऐसा ही आएगा ना, तो ये डिफाइंड होता है ना, बस हमने देखना है कि नॉन डिफाइंड नहीं बनना चाहिए, मतलब एक तो नीचे ज़ीरो नहीं बनना चाहिए और या आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनना चाहिए, तो इन दोनों में से ये कोई भी नहीं बनेगा, कोई भी वैल्यू इसके बीच में से डाल के देख लेंगे, ये ना इन नीचे ज़ीरो आएगा और ना ऊपर ना आयोटा आ सकता, तो हम इसको लिखेंगे बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ज़ीरो टू पाई। इसका मतलब क्या हो गया, एफ जो है वो डिफ्रेंशिएबल हो गया, एफ इज़ डिफ्रेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ज़ीरो टू पाई, तो अगर डिफ्रेंशिएबल है तो कॉन्टीन्यूस तो हो जाएगा, क्यों, एवरी डिफ्रेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस, इसका मतलब f इज कॉन्टीन्यूस ऑन ओपन इंटरवल सॉरी क्लोज इंटरवल ज़ीरो टू पाई। अब तीसरी कंडीशन निकालनी है f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, तो f ऑफ a है ज़ीरो, अब ये हम गिवन फंक्शन में डालेंगे, गिवन फंक्शन क्या था, साइन x अपॉन ई एक्स, तो ये हो जाएगा साइन ज़ीरो अपॉन ई ज़ीरो, साइन ज़ीरो ज़ीरो ई ज़ीरो वन, तो ये हो गया ज़ीरो। अब ऐसे ही f ऑफ निकालेंगे पाई, तो ये आ जाएगा साइन पाई अपॉन ई पाई, साइन पाई ज़ीरो, ई पाई वैसे ही, तो ये हो गया ज़ीरो, तो इसका मतलब
एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू एफ ऑफ पाई, ये होगी तीनों कंडीशनें सेटिस्फाइड। अब हम वेरीफाई करेंगे, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सी बिलोंग्स टू गिवन इंटरवल क्या, जीरो टू पाई सच डैट एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो। अभी हमने एफ डैश एक्स तो निकाला हुआ है ना, एफ डैश एक्स हमारा ये आया था, तो एक्स की जगह सी डाल देंगे, तो ये बनेगा कॉस सी माइनस साइन सी अपॉन ई सी। इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या आएगा, कॉस सी माइनस साइन सी इक्वल टू ज़ीरो माइनस साइन सी इक्वल टू माइनस कॉस सी, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा साइन सी अपॉन कॉस सी इक्वल टू वन, ये आ जाएगा टैन सी इक्वल टू वन। अब टैन वन कब होता है, 45 पे। अब हमने देखना है कि क्या इसके बीच में ये लाई कर रहा है, कर रहा है ना, 45 0 और 180 के बीच में लाई कर रहा है ना, तो इसका मतलब हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3 का एट पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 3x, इंटरवल दिया 0 टू पाई। तो ये कौन सा फंक्शन है, साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है। f इज ए साइन फंक्शन, सो इट इज कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब f जो है वो कॉन्टीन्यूस होगा ऑन इंटरवल दिया हमारे पास 0 टू पाई, और सेकेंड f जो है डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 टू पाई। ये दो कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b बताना है, तो f ऑफ a क्या, 0, f ऑफ 0 यहाँ डालेंगे, ये आ जाएगा साइन 3 इंटू 0 0 साइन 0 0। नेक्स्ट एफ ऑफ पाई, ये हो जाएगा साइन 3 पाई, यहाँ पे डालना है ये साइन 3 पाई भी 0 होता है, इसका मतलब एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ पाई। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड। अब वेरीफाई करना है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई सच डैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, कॉस 3x, फिर 3x की करेंगे 3, तो ये आ जाएगा 3 कॉस 3x, लेकिन x की जगह c डाल देना है, ये 3 इधर फेंक देंगे। अब कॉस 0 कब होता है, 90 पे, कॉस 90 पे, तो 3c कितना हो जाएगा, पाई बाय 2, c हो जाएगा पाई बाय 6। अब हमने देखना है क्या ये 30 डिग्री इसके बीच में लाई करेगा, 30 पाई बाय 6 होता है 30, तो 0 और 180 के बीच में 30 आता है ना, तो हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेस्ट पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटरवल दिया माइनस 1 टू 1। तो ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंट फंक्शन है, तो इस एक्सपोनेंट फंक्शन कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है। एफ इज एन एक्सपोनेंट फंक्शन, सो एक्सपोनेंट फंक्शन पूरा लिख लेना, फंक्शन सो इट इज कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल है माइनस वन टू वन। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, एफ इज कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन, सेकेंड एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल माइनस वन टू वन। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। अब तीसरी कंडीशन है, एफ ऑफ ए निकालना है, एफ ऑफ ए क्या है, माइनस वन, इसमें डालेंगे ई वन माइनस एक्स की जगह माइनस वन का, माइनस वन का स्केयर क्या होगा, वन ही हो जाएगा, तो ये क्या ई रेस्ट पर ज़ीरो विच इज इक्वल टू वन। अब एफ ऑफ वन निकालेंगे,
यहाँ पे वन डालना है, तो ये हो जाएगा वन माइनस वन का स्क्वायर वन, ये भी हो जाएगा ज़ीरो, दोनों सेम आ गए, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड। अब वेरीफाई करना है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल सच डैट एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ई एक्स की डिफ्रेंशिएशन सेम, बस एक्स की जगह सी सी डाल देना है। फिर क्या करना है, वन माइनस एक्स स्क्वायर को करना है, वन की ज़ीरो, एक्स स्क्वायर की टू एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स इन टू माइनस टू एक्स, एक्स की जगह सी, ये इधर फेंक देंगे, माइनस टू इक्वल टू सी, इसको इधर फेंक देंगे, ज़ीरो इक्वल टू सी। अब देखना ज़ीरो इसके बीच में लाई करता है, ज़ीरो इसके बीच में लाई करता है ना, माइनस वन और वन के बीच में, तो हैंस रोल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर थ्री का टेंथ पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स के प्लस टू माइनस लॉग थ्री, तो इसको हम डिफ्रेंशिएबल चेक करेंगे। वो कैसे डिफ्रेंशिएबिलिटी चेक होगी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लॉग एक्स की डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स इन टू एक्स स्क्वायर प्लस टू की डिफ्रेंशिएशन टू एक्स और लॉग थ्री की डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो, तो ये आ जाएगा टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब हमने क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएबिलिटी कैसे चेक करना है, हमारे पास दिया हुआ है माइनस वन टू वन, तो हमने माइनस वन टू वन के बीच में से एक वैल्यू लेनी है, जैसे ज़ीरो ले लिया, अब ज़ीरो यहाँ डालेंगे तो ये हो जाएगा ज़ीरो, यहाँ डालेंगे ज़ीरो प्लस टू, मतलब ज़ीरो अपॉन टू ज़ीरो आ जाएगा। बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो नॉन डिफाइंड नहीं आना चाहिए, मतलब नीचे ज़ीरो नहीं बनना चाहिए, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनना चाहिए, तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं बन रहा, तो डायरेक्ट लिख देंगे बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, तो एफ इज़ डिफ्रेंशिएबल ऑन माइनस वन टू वन, ये हो गया एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट, हमने ये भी पढ़ा है, एवरी डिफ्रेंशिएबल फंक्शन, एवरी डिफ्रेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस, अगर कोई डिफ्रेंशिएबल फंक्शन हो तो वो कॉन्टीन्यूस होता है, इसका मतलब एफ जो है वो कॉन्टीन्यूस भी हो जाएगा, एफ इज कॉन्टीन्यूस ऑन माइनस वन टू वन क्लोज इंटरवल। अब तीसरा केस, तीसरा क्या है, एफ ऑफ माइनस वन निकालना है, एफ ऑफ माइनस वन कैसे निकालेंगे, यहाँ डालेंगे एक्स की जगह माइनस वन डालना है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन थ्री, मतलब यहाँ माइनस वन डालेंगे ना, माइनस वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन प्लस टू थ्री, और यहाँ पे थ्री, तो लॉग थ्री माइनस लॉग थ्री हो जाएगा ज़ीरो। अब ऐसे ही एफ ऑफ वन निकालते हैं, एफ ऑफ वन के लिए क्या करेंगे, यहाँ वन डालेंगे, वन का स्क्वायर वन, वन प्लस टू थ्री, लॉग थ्री माइनस लॉग थ्री, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड। अब वेरीफाई करते हैं, अब यहाँ क्या लिखना है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल माइनस वन टू वन सच डैट एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो। अब एफ डैश एक्स क्या दिया हुआ है, ये टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो इसकी जगह सी डाल देंगे एक्स की जगह, अब इसको इधर फेंक देते हैं, टू सी इक्वल टू ज़ीरो, सी इक्वल टू ज़ीरो। अब ज़ीरो इसके बीच में लाइक करता है ना, माइनस वन और वन के बीच में, तो हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, यहाँ लास्ट में लिखना है रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर थ्री का इलेवंथ पार्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑन ज़ीरो टू पाई बाई टू। अब इसको डिफ्रेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब हमने देखना है क्या ये इस इंटरवल के बीच में सेटिस्फाइड करता है या नहीं, कोई भी वैल्यू डाल के देख लेते हैं, जैसे इनके बीच में 45 आएगी, कॉस 45 वन बाई रूट टू, साइन 45 वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू माइनस वन बाई रूट टू ज़ीरो, तो मतलब नीचे ज़ीरो नहीं बनना चाहिए, दो चीज़ों का ध्यान रखना है, मतलब रियल नंबर ही आना चाहिए, एक तो डिनोमिनेटर पे ज़ीरो नहीं आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनना चाहिए, इसका मतलब ये इस इंटरवल को सेटिस्फाइड कर रहा है। जब इस इंटरवल को सेटिस्फाइड कर दिया तो एफ इज डिफ्रेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल ज़ीरो टू पाई बाई टू। इसके बाद अगर डिफ्रेंशिएबल है तो कॉन्टीन्यूस भी होगा, क्यों, बिकॉज एवरी डिफ्रेंशिएबल फंक्शन इज
एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, इसका मतलब f जो है वो कॉन्टिन्यूस भी है. f इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 टू पाई बाय 2. ये होगी दो कंडीशन है. अब तीसरी कंडीशन, f ऑफ 0 निकालेंगे, यहाँ डालेंगे साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 0, कॉस 0 1, तो ये आ जाएगा 1. अब निकालेंगे f ऑफ पाई बाय 2, तो x की जगह पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 प्लस कॉस पाई बाय 2, कॉस 90 1 और कॉस 90 0, तो इसका मतलब f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 2. दोनों तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड. अब वेरीफाई करना, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाय 2 सच डैट एफ डैश इक्वल टू 0. अभी हमने एफ डैश एक्स निकाला है ना, एफ डैश एक्स क्या था, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो एक्स की जगह सी डाल देंगे, कॉस सी माइनस साइन सी इक्वल टू 0, कॉस सी इक्वल टू साइन सी. अब कॉस को इसके नीचे ले आते हैं, साइन सी अपॉन कॉस सी इक्वल टू 1, ये हो जाएगा टैन सी इक्वल टू 1. अब टैन 1 कब होता है, जब सी 45 के, तो 45 इसके बीच में लाई करेगा, 0 90 के बीच में 45 लाई करता है, तो हैंस रोल थ्योरम इज वेरीफाइड. ये है 12th पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस साइन 2x, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं. पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स, साइन 2x की डिफरेंशिएशन कॉस 2x, फिर 2x की डिफरेंशिएशन 2. अब हमने चेक करना है क्या ये इस इंटरवल को सेटिस्फाइड करेगा या नहीं. इसके बीच में से कोई भी वैल्यू लेके देख लो, कोई भी वैल्यू इसके बीच में से लेके देखेंगे तो आंसर रियल नंबर ही आएगा. जैसे 90 लेते हैं, कॉस 90 0, अब यहाँ डालते हैं 90 डालेंगे तो 90 इंटू 2 180, कॉस 180 होता है माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा माइनस 2, तो वो रियल नंबर ही आएगा ना. तो बिलोंग्स टू 0 टू पाई, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल, अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा. एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा तो वो कॉन्टिन्यूस हमेशा होगा, इसका मतलब एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 टू पाई. ये होगी दोनों कंडीशन है. अब तीसरी कंडीशन, एफ ऑफ ए निकालना है, एफ ऑफ ए है 0, यहाँ डालेंगे 2 साइन 0 प्लस साइन 0, 2 साइन 0 प्लस साइन 2 इंटू 0, तो ये हो गया साइन 0 0, साइन 0 0, तो ये आ गया 0. अब ऐसे ही पाई, एक्स की जगह पाई डालना है, 2 साइन पाई प्लस साइन 2 पाई, साइन पाई भी 0 और साइन 2 पाई भी 0, ये आ गई तीन कंडीशन. अब वेरीफाई करना है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 0 टू पाई सच डैट एफ डैश सी इक्वल टू 0. अब एफ डैश एक्स तो हमने निकाला हुआ है, यहाँ पे एक्स की जगह 0 डाल देना है, तो क्या बनेगा 2 कॉस सी प्लस 2 कॉस 2 सी इक्वल टू 0. इसको ले जाते हैं 2 को सेट रैंक देते हैं कॉमन निकाल के, ये 2 उधर चला जाएगा, ये आ गया कॉस सी प्लस कॉस 2 सी इक्वल टू 0. अब हम क्या करते हैं, कॉस सी को उधर ले जाते हैं, कॉस 2 सी इक्वल टू माइनस कॉस सी. अब कॉस नेगेटिव कब होता है, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस सी, तो ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, 2 सी इक्वल टू पाई माइनस सी, ये इधर जाएगा 3 सी इक्वल टू पाई, सी इक्वल टू पाई बाई 3. अब पाई बाई 3 इसके बीच में लाई करेगा ना, 0 और 180 के बीच में, तो हो गया, हैंस रोल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड.